Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss the Insight IAS daily current affair of 4th of December 2020. Regarding today's discussion topics, from mains point of view there are 7 news and from the prelims point of view there are 5 news for the today's discussion. And today's discussion is quite more important because मैंने ऐसे नोटिस किया है, ठीक है, कि आज इतने सारे जो न्यूज़ हैं, ठीक है, उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स हो या मेंस का क्वेश्चन पेपर हो उसको प्रॉपरली एनालिसिस किया होगा, तो रिपीटिवली जिससे क्वेश्चंस आते हैं वही कुछ पॉइंट्स जो है आज के डिस्कशन में हम कंप्लीट करने वाले. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर, ठीक है, इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी चुका है और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ रोहिंग्या, ठीक है, जो रोहिंग्या कम्युनिटी है उनका भी आज डिस्कशन में कवर करने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि रोहिंग्या के बारे में भी, ठीक है, रोहिंग्या का इशू जो बहुत टाइम से चलते आ रहा है उस पर भी कंप्लीट एक डिस्कशन होगा. एंड अलॉन्ग विद दिस इकोनॉमी का सेक्शन अगर लिया जाए, ठीक है, GS3 पेपर का, तो वहाँ से ना हर साल कहीं ना कहीं, ठीक है, कभी ना कभी जो है ग्राफ, ठीक है, जो एक कर्व होता है रिकवरी कर्व रिलेटेड ना काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, जैसे हम जानते हैं अभी COVID-19 का पीरियड चल रहा है, तो जिसके वजह से इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स या वेरिएशन, ठीक है, अप एंड डाउन जो है दिखाई दे रहा है. दस इकोनॉमी की रिकवरी पाथ के किस टाइप के कर्व्स होते हैं उसको जानना इस टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और आज के डिस्कशन में हम वो सारे कर्व्स जो है, ठीक है, वी शेप कर्व हो गया या यू शेप, ठीक है, इस तरीके के सारे जो कर्व्स है वो डिस्कस करने वाले. सो प्लीज़ डू वॉच टुडे सेक्शन टिल द एंड एंड लेट स्टार्ट अवर डिस्कशन. सो GS2 पेपर से न्यूज़ है विच कवर्स द फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेल एंड फीचर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट एज यू नो दैट ईयर 1951. सो द न्यूज़ क्या है, कन्विक्टेड लेजिस्लेटर कांट बी बैरिड फॉर लाइफ फ्रॉम पोल्स. तो रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आइडिया दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो भी कन्विक्टेड लेजिस्लेटर होता है, ठीक है, कन्विक्टेड मतलब जो भी पर्सन हु इज़ फाउंड टू बी गिल्टी फॉर एनी ऑफेंस, सो उस टाइप का जो भी लेजिस्लेटर होता है, ठीक है, उनको फॉर अ लाइफ, उनको फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन अलॉन्ग विद दिस फॉर्मिंग और बिकमिंग एन ऑफिस बियरर ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी, उससे बैरिड किया जाए, ऐसा आइडिया सुप्रीम कोर्ट ने रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो आइडिया है उसको रिजेक्ट किया है. ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे लाइन पढ़ लेती हूँ मैं आपको आपके लिए एक बार, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैज़ रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ बैरिंग द कन्विक्टेड लेजिस्लेटर फॉर अ लाइफ फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर्मिंग और बिकमिंग एन ऑफिस बियरर ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी. तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से दैट इज़ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उनका कहना क्या है, उन्होंने अपना स्टैंड किस तरीके से रखा, उन्होंने ऐसे बोला है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट किसी भी ऑफेंस में इफ़ दे फाउंड अ गिल्टी तो उनको लाइफ टाइम जो है बैन किया जाता है, ठीक है, फॉर द कन्विक्शन इफ दे हैव परफॉर्म एनी टाइप ऑफ अ कन्विक्शन, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के केस में. और तो अभी ये जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ एंड जस्टिस यूनियन मिनिस्ट्री, उन्होंने ऐसा बोला है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, जो भी लेजिस्लेटर होते हैं वो आप इक्वल नहीं कर सकते एज इक्वल टू द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, जिसको बैन किया जाता है फॉर द लाइफ टाइम फॉर एनी कन्विक्शन. ठीक है, उन्होंने ये पॉइंट पुट अप किया है. उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट 1951 फॉर द पीरियड ऑफ अ प्रिजनर सेंटेंस एंड 6 years देयर आफ्टर वॉज इनफ फॉर द लेजिस्लेटर. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल एक्ट दैट इज रोपा एक्ट में जो मेंशन है कि जो भी लेजिस्लेटर है उनको पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक जो है बैरेट करेंगे या प्रिजन में रखेंगे. ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे जैसे मेंशन है प्रिजन सेंटेंस एंड 6 years, तो वो जो है उतना ही इनफ होता है, ऐसा उन्होंने दो पॉइंट उनके साइड से बताए हैं. ठीक है, तो इसी के बिहाफ में अभी इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वेशन क्या है, तो सेंटर स्टैंड डिफर फ्रॉम दैट टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन. ठीक है, इलेक्शन कमीशन का स्टैंड और सेंटर का स्टैंड इसमें डिफर करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का स्टैंड ऐसा था कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, कि किसी भी कन्विक्टेड लेजिस्लेटर को बैन करना, ठीक है, बैरेट करना फॉर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, ये कहीं ना कहीं डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा. ठीक है, इन दिस वे जो सेंटर है और इलेक्शन कमीशन है उन दोनों का जो स्टैंड है वो डिफर करता है. रिगार्डिंग सम बैकग्राउंड, द केस इज बींग
ऑन द अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय. ठीक है, तो अश्विनी उपाध्याय एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने एक अपील फाइल की थी, उसी के बिहाफ में ये सारा जो है मैटर न्यूज़ में आया है. ठीक है, उन्होंने आर्ग्यू किया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने आर्ग्यू किया था कि एक लाइफ बैन ऑन कन्विक्शन शुड यूनिफॉर्मली अप्लाई फॉर द मेंबर ऑफ अ जुडिशियली एग्जीक्यूटिव एंड अ लेजिस्लेटर. ठीक है, तो तीनों बॉडी के लिए अप्लाई होना चाहिए. ठीक है, दैट इज जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर, ऐसा उन्होंने आर्ग्यू किया था. उसके साथ साथ उन्होंने ये बोला था कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वन फ्रॉम अदर. ठीक है, तो ये तीन हमारे जो मेन पिलर्स है उनमें कहीं भी एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. एंड MPs और जो MLAs है, ठीक है, जो हुआ कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस enumerated in the section 8 of the Representation of a People's Act should be banned for a life. इस तरीके से ना उन्होंने अपना तीन जो पॉइंट्स हैं वो आर्ग्यू किए थे. What is the rationale behind this argument? तो rationale क्या है इसके पीछे, that is while a public servant or a government employer is debarred for a life on a conviction for a offense under the Indian Penal Code, money laundering law, foreign exchange violation, UAPA, that is unlawful activity prevention act, ठीक है, और अ चेक केसेस फ्रॉम अदर लॉ, अ लेजिस्लेटर इज ओनली डिस्क्वालीफाइड फॉर द सेम ऑफेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. ठीक है, तो इन्होंने ऐसा बोला है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उनको तो उनके, ठीक है, दे आर बैरिड फॉर द लाइफ. ठीक है, किसी भी टाइप का उन्होंने ऑफेंस परफॉर्म किया हो, इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन हो, ठीक है, या अनलॉफुल एक्टिविटी के केस में हो, पर जो लेजिस्लेटर इफ दे परफॉर्म एनी टाइप ऑफ अ कन्विक्शन देन उनको सिर्फ एक स्पेसिफिक इंस्टेंट के लिए या स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही बैरिड किया जाता है. हाउ एवर द काउंटर व्यू इज दैट लेजिस्लेटर आर नॉट बाउंड बाय द स्पेसिफिक सर्विस कंडीशन. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक रैशनल हमने देख लिया बिहाइंड दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ द एडवोकेट. इन दिस वे वी कंक्लूड द फर्स्ट न्यूज. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं कि हाउ मच ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स विद अ डिसेबिलिटी. ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है, दिसंबर 3 को जो UN है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है, वो ऑब्जर्व करता है दिसंबर 3 एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी. एंड इन अ बीट उनका मेन ये मोटिव है, ठीक है, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी ऑब्जर्व करने का, कि टू प्रमोट करे अ मोर एक्सक्लूसिव सॉरी इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल वर्ल्ड फॉर द पर्सन विज डिफरेंटली एबल्ड एंड टू रेज अ अवेयरनेस फॉर देयर राइट. ठीक है, इसी के मेन एम के लिए जो है इंटरनेशनल डे ऑफ अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी को ऑब्जर्व किया जाता है बाय द UN ऑन 3rd ऑफ डिसम्बर. रिगार्डिंग द फैक्ट एंड फिगर्स, तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वहाँ पे अबाउट 2.2% जो है, अबाउट 2.2% इंडियाज पॉपुलेशन जो है लिव्स विद सम ऑफ द काइंड ऑफ अ फिजिकल और अ मेंटल डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डाटा जो बताया गया था बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस थ्रू. ठीक है, ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग. एंड हाउ आर द डिसेबल आइडेंटिफाई, अभी ये डिसेबल्स कैसे होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं, उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है. ठीक है, तो अंटिल 2011 का सेंसस देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन अ 7 काइंड ऑफ अ डिसेबिलिटी. ठीक है, इन द क्वेश्चनरीज एंड द लिस्ट ऑफ अ डिसेबिलिटी जो थी वॉज एक्सपेंड कर दी गई टू द 21. ठीक है, 21 पहले इनिशियली 7 थे एंड देन इट वॉज एक्सपांड टू 21 and when the right of a people with disability was introduced in 2016. ठीक है, जब right of a people 2016 को right of a people with disability वो introduce किया गया था 2016 में, तब initially जो 7 kind of a disability हो उसको expand करके 21 कर दिया गया. ठीक है, उसके साथ साथ accordingly the report of 2019 जो identify करती है disabled peoples को as those with a temporary loss of an ability as well as a neurological and a blood disorder in addition to the earlier definition. यहाँ पे mental retardation and permanent inability to move, speak, hear and see. ठीक है, ये सारा include होता है जो report publish की थी 2019 में. ठीक है, ये सारा point उसमें आता है. ठीक है, किस type की disability होती है. Significantly एक revised definition जो हुई थी, ठीक है, वहाँ पे formalities and injuries जो होती है due to acid attack victims, ठीक है, उनको भी जो है entitled कर दिया गया as a disability. ठीक है, तो ये भी point important है कि जो भी injured होते हैं acid attack victims, ठीक है, उनको भी as a disability
ऐड है, ठीक है। अब देखते हैं हु आर डिसेबल एंड इन वॉट वे, ठीक है। तो डिसेबल कौन होते हैं इन एंड इन वॉट वे। सो ऐसा है कि हायर प्रोपोर्शन अगर देखा जाए मेन का, वे आर डिसेबल इन इंडिया एज कम्पेयर टू द वुमेन, ठीक है। तो मेन ज़्यादा डिसेबल है एज कम्पेयर टू द वुमेन, एंड अलॉन्ग विद दिस द डिसेबिलिटी जो है वो ज़्यादा प्रिविलेंट है इन द रूरल एरिया एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। एंड इनएबिलिटी टू मूव, ठीक है, विदाउट असिस्टेंट, ठीक है, बिना किसी के सहारे से खुद को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने को भी जो दिक्कत आती है, ठीक है, जो सबसे कॉमन एक डिसेबिलिटी है, वहाँ पे ज़्यादातर मेन्स जो है एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ अ डिसेबिलिटी दैन अ वुमेन्स, ठीक है। ये कुछ फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग पता चला है, ठीक है। रिगार्डिंग द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द नंबर ऑफ अ डिसेबल पीपल राइट। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो डिसेबल्स इन इंडिया आर एंटाइटल टू सम बेनिफिट, ठीक है, डिसेबल्स जो है इंडिया के उनको कुछ बेनिफिट्स है, राइट फ्रॉम द रेंजिंग फ्रॉम द रिजर्वेशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू कंसेशन ऑन अ रेलवे टिकट, ठीक है। रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लेके रेलवे टिकट तक कंसेशन, ऐसे कुछ बेनिफिट जो है इंडिया के डिसेबल्स को एंटाइटल्स है, ठीक है। टू क्लेम दिस बेनिफिट उनको जो है, जो भी डिसेबल्स पर्सन होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ अ डिसेबिलिटी उनको फर्निश करना पड़ता है। और एट अ माइक्रो लेवल अगर देखा जाए, डाटा ऑन प्रिविलेंस एंड द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इज यूजफुल वाइल अलोकेशन ऑफ अ वेलफेयर स्कीम। अभी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है इंडिया में फॉर द डिसेबल पर्सन। तो जो हमारा DPSP है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, उसका जो आर्टिकल नंबर 41 है वो स्टेट करता है स्टेट्स को कि दे शाल मेक अ इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड सिक, ओल्ड एज, सीकनेस एंड डिसेबलमेंट, ओके, एंड विद इन द लिमिट ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड द डेवलपमेंट। अलॉन्ग विद दिस द सब्जेक्ट ऑफ अ रिलीफ ऑफ अ डिसेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयबल इज स्पेसिफिक इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 7th शेड्यूल में जैसे हम जानते हैं स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसके साथ साथ एक रेसिडुअल लिस्ट होती है। तो उसमें से जो स्टेट लिस्ट है उसी का पार्ट है कि टू प्रोवाइड अ रिलीफ ऑफ अ डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयबल, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है इंडिया में फॉर द डिसेबल। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, हाउ NRI कुड वोट बाय द पोस्ट। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उन्होंने रिसेंटली अप्रोच किया है टू द लॉ मिनिस्ट्री कि वो परमिट करे NRIs को, ठीक है, जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियाज होते हैं, टू कास्ट देयर वोट फ्रॉम ओवरसी थ्रू द पोस्टल बैलेट, ठीक है। तो जो भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में और कोई NRI जो इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है, ऑब्वियसली NRI मतलब इंडिया के बाहर रहने वाले रेसिडेंट, तो उनको जो है पोस्टल बैलेट थ्रू उनका जो वोट है उसको कास्ट करने दे, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने अप्रोच किया है टूवर्ड्स द लॉ मिनिस्ट्री। वॉट इज़ द करंट प्रोग्रेस फॉर वोटिंग फॉर इंडिया सिटीजन लिविंग अब्रॉड, ठीक है। तो रिसेंट प्रोविजन क्या है, तो वोटिंग राइट जो है NRI को वो इंट्रोड्यूस किया था ओनली इन 2011 थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट 1950, ठीक है। तो 1950 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट है उसको अमेंड करते हुए NRI की जो प्रोविजन है, ठीक है, उनको वोटिंग का वो ऐड कर दिया गया था। एंड नेक्स्ट क्या है, एंड NRI कैन वोट इन कंस्टिट्यूएंसी इन विच देयर प्लेस ऑफ अ रेसिडेंट एज मेंशन इन द पासपोर्ट इज लोकेटेड, ठीक है। तो उसी कंस्टिट्यूएंसी से वोट कर सकते हैं जहाँ पे उनका प्लेस ऑफ अ रेसिडेंट है और जो पासपोर्ट पे उनके मेंशन है। एंड शी कैन ओनली वोट इन पर्सन एंड विच हैव टू इंट्रोड्यूस देयर पासपोर्ट इन ओरिजिनल पोलिंग स्टेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी, ठीक है। वॉट इज द करंट स्ट्रेंथ ऑफ NRI वोट, तो UN रिपोर्ट की अगर देखा जाए 2015 के अकॉर्डिंग, तो जो इंडियन डायस्पोरा पॉपुलेशन जो है इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज एट 16 million पीपल, ठीक है। एंड इफ अप्रूव्ड हाउ विल वोटिंग एट अ पोस्टल बैलॉट वर्क फॉर द NRI, ठीक है। अभी उन्होंने अप्रोच किया है टूवर्ड्स द लॉ मिनिस्ट्री, तो अगर लॉ मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया कि पोस्टल बैलेट थ्रू NRI जो है अपना वोट जो है कास्ट कर सकते हैं, तो वो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे प्रोसेस दी है कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन प्रपोजल, तो कोई भी जो NRI है, जो दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर कास्टिंग एनी वोट थ्रू द बैलेट पेपर, सॉरी पोस्टल पेपर,
सॉरी पोस्टल बैलेट इन एन इलेक्शन विल हैव टू इन्फॉर्म द रिटर्निंग ऑफिसर. ठीक है, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होता है उनको इन्फॉर्म करना नेसेसरी है. एंड उनको जो इन्फॉर्म करना है उनका टाइम पीरियड भी यहाँ पे मेंशन है कि नॉट लेटर दैन अ 5 days आफ्टर द नॉमिनेशन ऑफ द इलेक्शन. एंड जब रिटर्निंग ऑफिसर इन्फॉर्मेशन उनको रिसीव होती है दैट एनी पर्सन दैट इज पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू और दे आर इंटरेस्टेड फॉर कास्टिंग अ वोट थ्रू द पोस्टल बैलोट, तब जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है विल डिस्पैच द बैलोट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली. एंड जो NRI वोटर होते हैं विल डाउनलोड द बैलोट पेपर, मार्क देयर प्रेफरेंस ऑन अ प्रिंट आउट. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली उनको सेंड किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है, एंड देन उनको वो डाउनलोड करना पड़ता है. एंड देन उनको वहाँ पे उनका जो प्रेफरेंस है उसको मार्क करना एंड देन सेंड इट बैक विद द डिक्लेरेशन असेंट बाय द ऑफिसर जो अपॉइंटेड बाय द डिप्लोमैट्स. ठीक है, इस तरीके से उनको वापस सेंड करना पड़ता है. इन दिस वे अभी अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया पोस्टल बैलेट का सिस्टम तो NRI इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उनका वोट कास्ट करेंगे. व्हाट हैपन टू द प्रपोजल टू ग्रांट अ प्रॉक्सी वोटिंग राइट टू द ओवरसी इलेक्टोरल. ठीक है, तो इनिशियली एक ऐसा आया था कि प्रॉक्सी वोटिंग की जाए. ठीक है, जो भी ओवरसीज इलेक्टोरल्स थे तो उसके वो जो था, ठीक है, वो जो पॉइंट था, वो जो प्रपोजल था, उसका क्या हुआ उसके बारे में अगर देखा जाए तो जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने पास किया था प्रपोजल 2017 में कि प्रॉक्सी वोटिंग की जाए फॉर द NRIs. पर बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देन ब्रॉट अ बिल कि वो अमेंड करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट 1950 को. एंड द बिल वॉज पास बाय द लोकसभा एंड वॉज अवेटिंग इन द राज्यसभा अप्रूवल. एंड फर्दर वो लैप्स हो गया विद द डिसॉल्यूशन ऑफ अ 16th लोकसभा. इन दिस वे जो प्रॉक्सी वोटिंग वाला प्रोविजन का प्रपोजल था वो कम्प्लीटली लैप्स हो गया है. अभी नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं कि बांग्लादेश बिगिन शिफ्टिंग रोहिंग्यास. ठीक है, तो बांग्लादेश जो है उन्होंने रोहिंग्या को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है. ठीक है, तो पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं और बाद में हम रोहिंग्या कौन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, रोहिंग्या एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी टाइम से जो है न्यूज़ में है. ठीक है, काफ़ी टाइम से रोहिंग्या पीपल्स की प्रॉब्लम चलते आ रही है. तो रिसेंटली क्या हुआ है, बांग्लादेश जो है हैज़ बिगेन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि ट्रांसफरिंग ऑफ 100 ऑफ अ रोहिंग्या रेफ्यूजीज टू अ बाशनचार. ठीक है, एक लो लाइनिंग आइलैंड है इन द एरिया प्रोन टू द साइक्लोन एंड अ फ्लड. ठीक है, तो इस एरिया में उनको ट्रांसफर करना बांग्लादेश ने स्टार्ट कर दिया है विद अ राइट ग्रुप अलेगिंग दैट अ पीपल वेयर बींग कोर्स इन टू द लिविंग. ठीक है, तो अभी कंसर्न क्या है, ये जैसे मैंने बोला कि जहाँ पे उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, एक लो लाइनिंग आइलैंड है जो प्रोन है टू द साइक्लोन एंड अ फ्लड. तो अभी कंसर्न क्या अराइज हो रहा है, द आइलैंड वॉज फ्रॉम अ बिल्डअप ऑफ अ सिल्ट इन अ बे ऑफ बंगाल ओनली 20 years ago. ठीक है, 20 साल पहले ही उस आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ बिल्डअप हुआ ऑफ अ सिल्ट. एंड कंसर्न ऐसा है कि देयर हैज़ बीन कंसिस्टेंटली रेज अप बाशनचार जो आइलैंड है, ठीक है, टू एक्सप्लोर टू द एक्सट्रीम वेदर एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ मेन लैंड इन इमरजेंसी सिंस बांग्लादेश फर्स्ट रेज द आइडिया इन 2015. ठीक है, तो उस आइलैंड में मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है एंड वो काफ़ी डिस्टेंस में है टू द मेन लैंड अगर कुछ भी टाइप की इमरजेंसी आती है तो. सो दिस इज़ एन कंसर्न, अगर आप वहाँ पर पीपल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, रेफ्यूजीज को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न आता है उनकी सेफ्टी का. सो रिगार्डिंग हु आर द रोहिंग्यास, तो अभी रोहिंग्या क्या है, कौन है, तो रोहिंग्या जो है आर द इथनिक ग्रुप मोस्टली वहाँ पे मुस्लिम्स है एंड दे वेयर नॉट ग्रांटेड फुल्ली सिटीजनशिप बाय द म्यांमार एंड दे आर क्लासीफाई एज अ रेसिडेंशियल फॉरिनर और अ एसोसिएटेड सिटीजन. ठीक है, इथिकली अगर देखा जाए दे आर मच क्लोजर टू द इंडो आर्यन पीपल ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश दैन टू द सीनो टिबेटियन ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो रोहिंग्या का जो पॉपुलेशन है इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, और UN सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो ग्यूटर्स उन्होंने बोला कि एज वन ऑफ इफ नॉट द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल इन द वर्ल्ड. ठीक है, उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब किया है रोहिंग्या पीपल को, दैट इज वन ऑफ इफ नॉट द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल इन द वर्ल्ड. ठीक है, इथनिक ग्रुप है मोस्टली वहाँ पे मुस्लिम्स है. वेयर आर दे नाउ, अभी वो रोहिंग्या पीपल कहाँ पे ज़्यादा है. सो अगर देखा जाए तो 860,000 जो रोहिंग्या है अब वो लिव दे यूज टू लिव इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट
एंड मोस्टली उनका जो पॉपुलेशन है उस रेफ्यूजीज का कैंप इन द साउथर्न बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है कम्प्लीटली वो काफ़ी टाइम से निगोशिएट कर रही है इन द टर्म्स ऑफ रिपार्टिएशन ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजी टू म्यांमार। एंड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेट 40,000 जो हैं रोहिंग्या दे आर लिविंग इन अ इंडिया। इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज़ रिलेटेड टू द रोहिंग्या। और यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन है देखिए राखाइन स्टेट, ठीक है, राखाइन स्टेट में जो रोहिंग्या है उनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, व्हाट इज़ द ब्राइबरी फॉर अ प्रेसिडेंशियल पार्डन स्कीम अनवेल्ड बाय द यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट। बाइबरी दैट इज लार्ज लेना, ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या है, अभी यूएस की जो जस्टिस डिपार्टमेंट है इज इन्वेस्टिगेटिंग एन अलीक्ड ब्राइबरी स्कीम दैट वॉज डायरेक्टेड मनी टू द ऑफिशियल इन द व्हाइट हाउस इन एक्सचेंजिंग फॉर अ प्रेसिडेंशियल पार्डन और अ कमिटेशन। ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल पार्डन और कमिटेशन की पावर होती है, ठीक है, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि यूएस की जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किसी टाइप की जो है बाइबरी दैट इज लाज वगैरह देखे, ठीक है, जो ऑफिशियल्स है ऑफ अ व्हाइट हाउस इज एक्सचेंजिंग द प्रेसिडेंशियल पार्डन और अ कम्यूटेशन। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर के बारे में क्या ये है, ठीक है, क्या पावर्स है। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि वो पार्डन करे या कम्यूट करे, ठीक है, किसी भी टाइप की छूट दे किसी भी पनिशमेंट में, ठीक है, उसको पार्डन बोलते हैं। तो सेंटेंस रिलेटेड टू द फेडरल क्राइम, ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एंड ये जो पावर है वो ग्रांट की है उनको विदाउट एनी लिमिट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द कांग्रेस। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है उनके यहाँ पे कांग्रेस है, तो उनको किसी भी टाइप का लिमिट नहीं है या किसी भी टाइप का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिमिलरली सेलिमेंसी इज अ ब्रॉड एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड इज डिस्क्रिशनरी, दैट इज मीनिंग द प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल फॉर हिज पार्डन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट किस के बिहाफ में वो पार्डन कर रहे हैं इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को वो आंसरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी उनका एक राइट है एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी रीजन फॉर इशूइंग द पार्डन। अभी हम देखते हैं कि लिमिटेशन क्या है उनको, तो लिमिटेशन इस तरीके से है दिस पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन केस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट केस में प्रेसिडेंट जो है दे कैन नॉट इन्फोर्स द पार्डनिंग और कम्यूटेशन पावर यूएस के केस में एंड पावर ओनली अप्लाई फॉर द फेडरल क्राइम एंड नॉट फॉर द स्टेट क्राइम। अभी हम देखते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है, पार्डनिंग पावर रिलेटेड क्या प्रोविजन है और वो जो मेंशन है सब कुछ 72 आर्टिकल में मेंशन है। इट इज सेड दैट द प्रेसिडेंट जो है उनके पास पावर होती है कि वो ग्रांट करे पार्डन रिप्राइव रेसिपिएट और रिमिशन ऑफ अ पनिशमेंट और टू सस्पेंड रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड टू द एनी ऑफेंस। ठीक है, इन सारे का जो मीनिंग है, ठीक है, वो लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है, आप एक बार वहाँ से देख लेना, सॉरी मैं आज आपको ये पॉइंट नहीं बता पाऊंगी बट स्टिल जस्ट गो एंड सी इट इन लक्ष्मीकांत एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट डे आफ्टर टुमारो, सॉरी टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, एंड जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, कैन एक्सरसाइज दिस पावर इन ऑल द केसेस वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस इन द कोर्ट मैटर। ठीक है, तो कोर्ट के रिलेटेड कितने भी जो भी मैटर्स हो, ठीक है, जो भी पनिशमेंट हो, तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर होती है कि दे कैन एक्सरसाइज एनी वन ऑफ दिस एंड इन ऑल द केसेस वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस इज फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ रिलेटेड टू द मैटर ऑफ विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंडेड एंड इन ऑल द केसेस वेयर द सेंटेंस इज इन द सेंटेंस ऑफ अ डेथ। ठीक है, तो ये सारा पावर उनको उनके पास होता है। और एक बात ध्यान में रखना, प्रेसिडेंट के पास भी पार्डनिंग रिलेटेड पावर होती है, उसके साथ साथ गवर्नर के पास भी पावर होती है। ठीक है, की फैक्ट देखा जाए, दिस पावर ऑफ अ पार्डनिंग शैल बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ अ कंसिल ऑफ अ मिनिस्टर। ठीक है, कंसिल ऑफ अ मिनिस्टर की एडवाइस लगती है एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी टाइप का मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करती है कि वो क्वेश्चन करिए द लीगलिटी ऑन द डिसीजन ऑफ अ प्रेसिडेंट और द गवर्नर वाइल एक्सरसाइजिंग द मर्सी जुरिडिक्शन। ठीक है, एंड जो सुप्रीम कोर्ट है इन इपुरू सुधाकर केस, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला था, हैज़ गिवन अ स्मॉल विंडो फॉर अ जुडिशियल रिव्यू ऑन अ पार्डनिंग पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड अ गवर्नर फॉर द पर्पज ऑफ रूलिंग आउट एनी आर्बिटरनेस। इन दिस वे वी कंक्लूड द न्यूज़ रिगार्डिंग GS3 पेपर से। न्यूज़ है इकोनॉमी फर्मली ऑन अ पाथ ऑफ अ वीक शेप्ड रिकवरी से गवर्नमेंट। तो रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला है कि इंडिया
कि जो इकोनॉमी है इज फॉर्मली ऑन द वी शेप रिकवरी. ठीक है, वी शेप रिकवरी दिखाई दे रही है आफ्टर द कोलैप्स जो हुई थी फर्स्ट क्वार्टर में, एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे सकता है अप टू थर्ड क्वार्टर, नॉट विथस्टैंडिंग सम ऑफ द मॉडरेशन इन अ नवंबर. एंड जो रिकवरी दिखाई दे रही है इज एट्रीब्यूट टू द अनलॉकिंग प्रोसेस अलॉन्ग विद द अस्यूट स्टिमुलस मेजर्स. ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा COVID-19 के वजह से इकोनॉमी में शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा है, पर आफ्टर अनलॉकिंग प्रोसेस जब से स्टार्ट हुई है कुछ ना कुछ रिकवरी दिखाई दे रही है, और ये जो रिकवरी पाथ है वो वी शेप रिकवरी दिखाई दे रही है ऐसा बोला है, और ये रिकवरी जो है इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा दिखाई दे सकता है इन द थर्ड क्वार्टर, ऐसा भी मिनिस्ट्री जो है फाइनेंस की उन्होंने बोला है. ठीक है, व्हाट आर द वेरियस शेप ऑफ इकोनॉमी रिकवरी. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसके बारे में हम देखते हैं. तो डिफरेंट शेप्स होते हैं ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के. तो सबसे पहला शेप है दैट इज़ अ जेड शेप रिकवरी. तो जेड शेप रिकवरी क्या है, इट इज़ अ मोस्ट ऑप्टिमैटिक सिनारियो इन विच इकोनॉमिक वीकली राइज लाइक अ फोनिक्स आफ्टर अ क्रैश. ठीक है, तो आफ्टर अ क्रैश एक बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव सिनेरियो होता है, क्विकली राइज दिखाई देते हैं इकोनॉमी में, उसको हम बोलते हैं जेड शेप रिकवरी. एंड इफ मोर देन मेक अप अ लॉन्ग ग्राउंड थिंकिंग रिवेंज बाइंग आफ्टर द लॉकडाउन आर शिफ्टेड बिकमिंग सेटलिंग बैक टू द नॉर्मल ट्रेंड दस फॉर्मिंग अ जेड शेप चार्ट. ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक जेड शेप जो है, ठीक है, डिक्रीज़ जो हुई थी तो इनिशियली उसको इंक्रीज होने हो जाती है. ठीक है, और ये जो डॉटेड पॉइंट मेंशन है वो प्री कोरोना एज अ बेस्ट लाइन करके है. ठीक है, ये देखना ये डॉटेड लाइन, एंड यहाँ पे GDP वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है. ठीक है, हमने जेड शेप कवर कर लिया. मूविंग टू अदर नेक्स्ट, वी शेप रिकवरी क्या होती है. द इकोनॉमिक क्विक रिकवर्स लॉस ग्राउंड एंड गेट बैक टू द नॉर्मल ट्रेंड. ठीक है, तो जो लॉस ग्राउंड जो है उससे निकलते हुए एक नॉर्मल ट्रेंड पे आते हैं, उसको हम वी शेप रिकवरी बोलते हैं. ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि एक जो उसमें डिक्रीज हो रहा था वो फिर से नॉर्मल स्टेज में आती है. ठीक है, GDP वर्सेस टाइम का ग्राफ है. नेक्स्ट क्या है, यू शेप रिकवरी क्या होती है. सो यू शेप रिकवरी इज ए सिनेरियो इन विच द इकोनॉमी फॉलिंग आफ्टर फॉलिंग स्ट्रगलिंग एंड मडलिंग अलॉन्ग अ लॉन्ग ग्रोथ रेट फॉर सम टाइम बिफोर राइजिंग ग्रेजुअली टू द यूजुअल लेवल. ठीक है, तो जितना एक फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है, आफ्टर अ फॉल स्ट्रगल्स, ठीक है, एक लो ग्रोथ रेट से एक उनका एक नॉर्मल कंडीशन में आने वाली जो रिकवरी होती है उसको यू शेप रिकवरी बोलते हैं. ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो. ठीक है, दिस वन. द नेक्स्ट वन क्या है, W शेप रिकवरी. ठीक है, एक डेंजरस क्रीचर ग्रो फॉल एंड राइज बट फॉल अगेन बिकम रिकवरी बिफोर रिकवरी येट अगेन एंड दस इट इज़ अ W लाइक चार्ट. ठीक है, पहले फॉल होती है, देन पहले राइज होती है, फिर से फॉल होती है, एंड देन वो राइज होती है. ठीक है, तो W शेप. ठीक है, फॉल राइज फॉल एंड अगेन राइज. अभी नेक्स्ट है L शेप. अभी L शेप में क्या होता है, L शेप जो है सबसे वर्स्ट सिनेरियो होता है इन विच ग्रोथ जो है आफ्टर फॉलिंग स्टैग्नेट्स एट अ लो लेवल एंड दस नॉट रिकवर फॉर द लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो स्टैग्नेट हो जाती है और बहुत टाइम तक जो है रिकवर नहीं होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज अ यल शेप. एंड नेक्स्ट वन इज अ जे शेप. तो जे शेप रिकवरी क्या होती है, इज समवट अनरियलिस्टिक सिनेरियो है इन विच ग्रोथ राइज शार्पली फ्रॉम लो मच हायर देन द ट्रेंड लाइन दैट स्टे देयर. ठीक है, तो ये है जे. ठीक है, इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो इकोनॉमी रिकवरी कर्व्स होते हैं या इकोनॉमी रिकवरी शेप्स होते हैं उसके बारे में देख लिया. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, हाउ डिड द रॉकेट बूस्टर फ्रॉम 1966 बिकम अ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट. तो क्या हुआ है, इन सितंबर जो नासा है नासा फंडेड पैन स्टार RS-1 टेलीस्कोप जो है डिटेक्ट एन अननोन ऑब्जेक्ट जो कर्व कर रहा है एक अननोन ऑब्जेक्ट जो है वो फॉलो कर रहा है एक कर्व पाथ इन द स्काई इंडिकेटिंग एक प्रॉक्सिमिटी टू द अर्थ. ठीक है, ये जो नासा का फंडेड टेलीस्कोप है उससे डिटेक्ट हुआ था. ठीक है, इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट था वॉज थॉट टू बी अ एस्टोराइड जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को. ठीक है, एंड हेंस गिवन अ नेम एज अ माइनर प्लैनेट सेंटर. हाउएवर
नाउ ऐसा कंक्लूड हुआ है कि दैट नियर द अर्थ ऑब्जेक्ट कॉल एज अ 2020 SO इज द रॉकेट बूस्टर दैट हेल्प लीव द स्पेस एजेंसी सर्वेयर स्पेस क्राफ्ट टूवर्ड द मून इन 1966. ठीक है, अभी ये सर्वेयर टू क्या है, तो सर्वेयर टू स्पेस क्राफ्ट जो है वॉज सपोज टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन अ मून सर्फेस इन सप्टेम्बर 1966. ठीक है, तो 1966 में उसको सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो है मून पे उसको सेंड किया था सर्वेयर टू स्पेस क्राफ्ट को. बट क्या हुआ, द टाइम फॉर अ थ्री थ्रस्टर फेल टू इग्निट्स एज अ रिजल्ट. ठीक है, तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाया एंड जिसके वजह से वो क्रैश हो गया एंड स्टार्टेड स्पिनिंग. एंड दस जो एम था इस मिशन का वॉज टू रिकॉन्टर द लूनर सर्फेस अहेड ऑफ अपोलो मिशन दैट लीड टू द फर्स्ट लूनर लैंडिंग इन 1969. एंड बाद में क्या हुआ, वॉट हैपन देन, ठीक है, वो तो प्रॉपरली इंजेक्ट नहीं हुआ, इट वॉज फेल्ड एंड क्रैश हो गया ऑन द सर्फेस एंड स्टार्टेड स्पाइनिंग. तो अभी क्या हुआ, वॉट हैपन देन, उसके बाद वाइल स्पेस क्राफ्ट क्रैश इन टू द मून सर्फेस जो रॉकेट बूस्टर था वो डिसअपियर हो गया इन टू द अननोन ऑर्बिट अराउंड द सन. एंड अभी देखते हैं कि ये पैन स्टार RS1 टेलीस्कोप क्या है, एक पैरानोमिक सर्वेयर टेलीस्कोप है एंड अ रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम फॉर अ शॉर्ट इज अ सिस्टम फॉर अ वाइड फील्ड एस्ट्रोनॉमिकल इमेज डेवलप एंड ऑपरेट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एट अ यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई. एंड ये जो टेलीस्कोप है इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ अ पैन स्टार RS टू बी कंप्लीटेड. और जो PS1 सर्वे है यूज एट अ 1.8 meter टेलीस्कोप एंड उनका अगर गीगा पिक्सल देखा जाए कैमरा का टू द इमेज ऑफ अ स्काई इज 1.4. इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज. फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स देखते हैं, US टू ब्लॉक इम्पोर्ट ऑफ स्लेव लेबर कॉटन फ्रॉम चाइना. सो यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिया इम्पोर्ट ऑफ अ कॉटन, इट सी इज हार्वेस्ट विद स्लेव लेबर इन चाइना जिंगजियांग रीजन. एंड जो बीजिंग हैज कम अंडर द इंटेंस इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ओवर दिस पॉलिसी इन द रिसोर्स रिच टेरिटरी. And where right groups say as many as 1 million Uyghurs and other most Muslim minority are being held in internment camps. Not using marks flawed fundamental right, Supreme Court. तो Supreme Court ने observe किया है कि people who are not wearing marks in the public and following the physical distancing norm, वो violate कर रहे हैं fundamental right of other amid the COVID-19 pandemic. Next, lottery gambling and betting taxable under GST, Supreme Court. तो जो कोर्ट है उन्होंने हेल्ड किया है दैट जो लॉटरी है बेटिंग और गैम्बलिंग होती है वेयर एक्शनेबल क्लेम एंड केम विद इन द डेफिनेशन ऑफ अ गुड्स अंडर द सेक्शन 2 क्लॉज 52 में ऑफ अ सेंट्रल गुड्स एंड अ सर्विस टैक्स 2017 का. ठीक है, कोर्ट ने ऐसा भी बोला है द लीव ऑफ अ GST ऑन अ लॉटरी डिड नॉट अमाउंट टू द हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन. अभी इशू क्या था, आर्गूमेंट वेयर मेड बाय द स्किल लोटो सोल्यूशन एंड अदर लॉटरी एजेंट दे सेड दैट अ लॉटरी वॉज नॉट अ गुड एंड GST ऑन इट वॉज अ इनलीगल. तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं, लॉटरी जो होती है या बेटिंग गैबलिंग ये सारा जो है इट इज़ डिफाइंड एज अ गुड इन द सेक्शन 2 क्लॉज 52 में ऑन अ सेंट्रल GST एक्ट 2017 के अंडर. नेक्स्ट, कल्चर फॉर अ पीस सेशन, तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो जो UN है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये सेशन सिंस 1997. द डिक्लेरेशन एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड द कल्चर ऑफ अ पीस वो एडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन अ जनरल असेंबली ऑन सितंबर 13, 1999. दिस ऑकर्ड आफ्टर 10 months ऑफ अ नेगोशिएशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ प्रिपरेशन फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ अ फॉर अ कल्चर एंड ऑफ अ पीस. ठीक है, अभी लेटेस्ट सेशन में अगर देखा जाए इंडिया आस्क्स द यूनाइटेड नेशन कि वो एक्सपांड करे इट क्रिटिसिज्म ऑन हेटेड एंड वॉयलेंस अगेंस्ट रिलीजन बिहाइंड द 3 अब्रामिक रिलीजन. ठीक है, जो जुदिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम.
नेक्स्ट क्या है, एरिकिबो टेलीस्कोप के बारे में है, पीरिटो रिको, ठीक है, मैस्यू एकेरिबो टेलीस्कोप है, ठीक है, फेमस फॉर अ स्टेलर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एस्ट्रोनॉमी, वो कोलेप्स हो गया है। की पॉइंट देखा जाए तो ये बिल्ड हुआ था 1963 में। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड एंड बींग अ मोस्ट पावरफुल रडार, साइंटिस्ट ने जो है उसको एम्प्लॉय किया था टू ऑब्जर्व अ प्लैनेट एस्टोराइड एंड अ आइसोनोस्फीयर, ठीक है, मेकिंग सेवरल डिस्कवरीज ओवर अ डिकेड इंक्लूडिंग फाइंडिंग अ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल इन द डिस्टिंक्ट गैलेक्सी एंड द फर्स्ट एक्सोप्लैनेट एंड अ फर्स्ट मिली सेकेंड प्लूसार। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइंडिंग की थी उस टेलीस्कोप ने, बट स्टिल अभी अगर देखा जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द बैड न्यूज़ दैट दिस टेलीस्कोप हैज़ बीन कोलैप्स। एंड इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज़ न्यूज़ सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।